मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, माता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सतत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग संविधान में पढ़ रहे थे, विधेयक पढ़ रहे थे, विधेयक पूरा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियों के बारे में। देखो, संसद को कार्य करने के लिए जो है बहुत सारे कार्य होते हैं, तो सारे कार्य करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सब सारे लोग जो होते हैं संसद में, जितने सदस्य होते हैं सब एक बहुत अच्छी तरीके से ही हों। जैसा कि मैंने बताया कि उसमें सदन में जो है हर तरीके का व्यक्ति पहुँचता है, अनपढ़ भी पहुँचता है, पढ़ा लिखा भी पहुँचता है। तो अब देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए जो है समझदारी पूर्ण व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है संसद अपने कार्यों को संचालित करने के लिए मोस्टली जो है कुछ समितियों का गठन करता है। जैसे विद्यालय को चलाने के लिए तमाम प्रकार की विद्यालय की समितियां होती हैं, परीक्षा संचालित करने के लिए परीक्षा समिति होती है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है एक अलग से एक समिति होती है, ठीक है, जो ये देखती है कौन छात्र उदंड है, कौन क्या है, उनको दंडित करना, ठीक है, या विद्यालय में पठन पाठन कैसा चल रहा है उसको जांच करने के लिए एक अलग समिति होती है। तो सभी समितियों में जो है कुछ ना कुछ लोग रखे जाते हैं। जैसे विद्यालय परिवार 30-35 लोगों का है, तो मान लो परीक्षा समिति बना दी गई, 2-3 लोग उसमें बैठ गए। अब सारा विद्यालय तो काम करेगा नहीं कि परीक्षा से संबंधित सारा विद्यालय कार्य कर रहा हो। तो इसी प्रकार से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3-4 हट्टे कट्टे लोगों को डंडा पकड़ा दिया जाएगा कि ये लोग जो है शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे स्कूल में, ठीक। तो ऐसे ही संसद जो है अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अपने ही मेंबर्स में से जो है कुछ लोगों को सेलेक्ट करके फिर किसी एक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना करके और समितियों का गठन कर दिया जाता है, कमिटीज का गठन कर दिया जाता है। कमेटी का काम क्या होता है भाई? कोई भी कमेटी अगर कहीं गठित की गई है तो उसका कार्य क्या होता है? उससे संबंधित, जिससे संबंधित कमेटी का गठन किया गया है तो कार्य करना। जैसे अब इसमें नवदुर्गे चल रहे हैं, ठीक, तो नवदुर्गे के लिए बहुत लोग भोज भंडारा करते हैं। तो भोज भंडारा करने के लिए क्या करते हैं कि भाई पैसा खर्च होगा तो उसके लिए फिर कुछ लोग मिल करके एक समिति बना लेते हैं और उस फिर वो क्या करते हैं, चंदा काटते हैं, रसीद बनवा लेंगे फिर चंदा काटेंगे, तो पैसा जो है कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में जो है सारा कार्य करवाते हैं। मतलब जैसे जो भी प्रसाद वितरण करवाना है, भंडारा करवाना है, तो वो सारा करवाना, फिर उसके बाद में समिति खत्म हो जाती है। वो कार्य करने के बाद में, वो कार्य होने के बाद में क्या है, समिति खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके से संसद में बहुत सारे कार्य होते हैं, तो बहुत सारे कार्यों को संचालित करने के लिए संसद में जो है समितियों का गठन किया जाता है। और संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों में अलग अलग समिति का गठन हो सकता है, या जरूरत पड़ेगी तो दोनों सदनों से जो है थोड़े से सदस्य उनसे ले लेंगे और थोड़े सदस्य उनसे ले लेंगे। तो संयुक्त जो है समिति का भी गठन किया जा सकता है, या फिर एकल समिति का गठन किया जा सकता है। एकल मतलब किसी एक सदन से होगा तो एकल हो जाएगा, और दोनों सदनों से मेंबर्स होंगे तो संयुक्त हो जाएगा। और इसमें व्यवस्था यह की जाती है कि जो सदन बड़ा होगा, सदन बड़ा कौन सा है, लोकसभा, क्योंकि इसके पास सदस्य संख्या ज्यादा है। तो जब ज्यादा सदस्य संख्या है तो फिर संख्या उसकी ज्यादा होगी। अगर संयुक्त कोई समिति बनाई जा रही है, ज्वाइंट कमेटी बनाई जा रही है, तो जिसके मेंबर्स ज्यादा होंगे उसी के तो ज्यादा रखे जाएंगे उसमें, जिसके कम होंगे उसके कम रखे जाएंगे। तो यहाँ पर व्यवस्था ये की गई है कि 2:1 की व्यवस्था की गई है कि अगर राज्यसभा का एक मेंबर होगा तो लोकसभा का 2 होगा, क्योंकि सीटों में भी दुगना का अंतर है, 250 राज्यसभा में है और 545 लोकसभा में है। तो 250 आधे का लगभग अंतर है, दुगने का अंतर है, मतलब आधा कम है राज्यसभा में लोकसभा की अपेक्षा। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि रेशियो क्या रखा गया है, संयुक्त समितियाँ जो बनाई जाती हैं उसमें क्या रेशियो रखा गया है, तो 2:1 का रखा गया है।
ठीक। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि गठन कौन करता है। तो अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का स्पीकर करेगा, अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में है तो सभापति करेगा, सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति करेगा। अब ये इसको गठन करने का पावर कहां से मिलता है, गठन करने का पावर कहां से मिलता है? तो ये पावर मिलता है अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। कहां से मिलता है? अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। तो याद रखना है, अनुच्छेद 118 से ये पावर मिलता है सदनों को, दोनों सदनों को, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों को ये पावर मिलता है कि अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अपने सदन में समितियों का क्या कर सके, गठन कर सके। क्योंकि नियम कानून बनाने हैं, कार्यों का संचालन करना है, संसदीय कार्यों का संचालन करना है, तो इन सारी चीजों को संचालित करने के लिए सदन जो है 118 अनुच्छेद के अंतर्गत सदन का अध्यक्ष और जो है सभापति, लोकसभा की स्थिति में अध्यक्ष जिसको स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा की स्थिति में उपराष्ट्रपति जिसको वहां क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं। तो ये याद रखना, अनुच्छेद कौन सा, 118। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज गठन करने के लिए कौन से अनुच्छेद का इस्तेमाल होता है, कौन से अनुच्छेद से शक्तियां प्राप्त हुई हैं, तो अनुच्छेद 118 से। अब देखो, ये बहुत सारे कार्य को करते हैं संसद के, बहुत सारे कार्य को करती हैं संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु संसद। क्या कहा जाता है? लघु संसद। तो अब यहां पर लघु संसद से प्रश्न पूछा जाएगा कि लघु संसद किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में होगा कैबिनेट, ऑप्शन में होगा लोकसभा, ऑप्शन में होगा संसदीय समितियां। तो किसको कहा जाता है लघु संसद? संसदीय समितियों को। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, तो इसलिए लघु संसद भी कहा जाता है। लघु संसद इसलिए कहा जाता है कि संसद का काम क्या है, नियम कानून जो है बनाना, उसको जो है संचालित करवाना कार्यपालिका के माध्यम से। ठीक है, संसद में कार्यपालिका भी तो आ जाता है पूरा, तो कार्यपालिका के माध्यम से जो है नियम कानूनों को संचालित करवाना, ये सब संसद का काम है। तो यहां पर ये दोनों कार्य जो है लघु संसद, दोनों कार्य समितियां करती हैं, विधेयक को निर्मित करवाने में सहायता करती हैं। हमने देखा था वहां पर, बताया था आपको, जब जो है कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को वहां की एक समिति गठित की जाती है, प्रवर समिति गठित की जाती है, सेलेक्ट कमेटी गठित की जाती है, और समिति के पास जो है भेजा जाता है उस विधेयक को जो है अध्ययन करने के लिए, और फिर उस विधेयक पर रिपोर्ट लगाती हैं समितियां। ठीक, तो यानी विधेयक बनाने में भी, नियम कानून को बनाने में भी इनका कार्य होता है, और ये जो है कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि इनके कार्य क्या है, तो मोस्टली इनके कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो विधायी कार्य, विधायी कार्य का मतलब विधेयक निर्माण में सहयोग करना, और कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका में कौन होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं। मंत्री लोग गलत कार्य ना कर बैठे, पता चले कहीं घोटाला करे बैठे हैं। ठीक, तो इन सब पर नियंत्रण करने के लिए संसदीय समितियों का भी जो है गठन किया जाता है, जांच समिति गठित कर दी जाती है। ठीक, कि घोटाला वोटाला तो नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच करने के लिए समिति का गठन किया जा सकता है। तो इस तरीके से कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के लिए भी संसदीय समितियों का गठन किया जा सकता है। अब प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि भारत के इतिहास में जो संसदीय समितियां हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, इनका क्या इतिहास रहा है। तो ये प्राचीन काल से हमारे देश में है, प्राचीन काल से जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तब भी जो है समितियों का गठन किया जाता था। ठीक, तब भी सभा और समिति हुआ करती थी। हमने पढ़ाया है जो है और वैदिक संस्कृत में सभा और समितियों के बारे में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। सभा जो होती थी आम लोगों की जो है समिति होती थी, और जो समिति जो होती थी वो विशेष लोगों के, विशेष व्यक्तियों का एक समूह होता था जिसको समिति कहा जाता था। ठीक, तो इस तरीके से प्राचीन समय से ही है, लेकिन आधुनिक समय से इसकी स्टार्ट कब होती है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो हमने पढ़ाया था इतिहास में भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, और उसको क्या कहा जाता था, मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है। तो सबसे पहले जो है भारत में संसदीय समितियों की व्यवस्था कहां से देखने को मिलती है, तो भारत शासन अधिनियम 1919। तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि संसदीय समितियों का प्रारंभ कहां से होता है। ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935।
तो किस पर टिक लगाओगे? भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो वहां से देखने को मिलती है जो है समितियों के बारे में। लेकिन पहली बार जो समिति का गठन किया गया तो इस आधार पर, यानी वहां पर व्यवस्था कर दिया गया कि अब जो है देश को संचालित के लिए करने के लिए संसदीय समितियां होंगी। और इसका गठन सर्वप्रथम हमको देखने को मिलता है 1921 में, यानी अस्तित्व में कब आया वास्तविक धरातल पर, तो 1919 नियम बना दिया गया था 1919 में, और 1921 में ये जो है धरातल पर यानी गठित होकर के अपना कार्य करने लगी थी। तो प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है भाई, जैसे शिक्षा का अधिकार 2002 में जो है कानून बन गया था, लेकिन लागू कब से हुआ है? 2010 से लागू हुआ है। तो ऐसे ही 1919 में ये नियम बन गया था और लागू कब से हुआ है? 1921 से। ठीक, तो इस तरीके से ये भारत शासन अधिनियम जो है इसके अंतर्गत जो है इसे लागू किया गया है। अब टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें, तो मैंने बताया कि एक तो जो है अपना मतलब एकल हो सकती है, किसी एक सदन में होगी, और दोनों सदनों को मिला करके संयुक्त भी हो सकती है, ज्वाइंट भी हो सकती है, यानी सिंगल भी हो सकती है, सिंगल कमेटी भी हो सकती है, और ज्वाइंट कमेटी भी हो सकती है। एक दूसरा ही प्रकार है कि उस वो किस नेचर की समिति है, किस नेचर की समिति है। एक तो ये होता है कि अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, रेगुलर संचालित करने के लिए सदन जो है रेगुलर समितियों का गठन करती है, हर वर्ष समितियों का गठन करती है। अर्थात उसका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है, और उसके कार्य पूरा हो जाने के बावजूद भी वो अस्तित्व में रहती है। तो ऐसे समिति को क्या कहेंगे? स्थायी समिति। ऐसे समिति को क्या कहेंगे? स्थायी समिति। तो एक समिति होती है स्थायी, और ये खड़ी रहती है, स्थायी है, खड़ी रहती है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी। भाई खड़ी तो है कार्य करने के लिए, अभी भी इसको लगा दिया जाएगा तब दौड़ पड़ेगी कमेटी। तो इसीलिए अंग्रेजी भाई देखो बहुत सोच विचार करके शब्दों को रखा जाता है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी। तो ये स्थायी कमेटी है, ये इसका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है, एक वर्ष के लिए गठित की जाती है। और दूसरी समिति होती है वो अनिश्चित काल के लिए होती है, उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, और वो जो है जरूरी नहीं है कि इस वर्ष गठित की जाए, अगली वर्ष ना गठित की जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो किसी विशेष कार्य के लिए उसको गठित किया जाता है। जैसे स्कूल में जो है मान लो 26 जनवरी मननी है, हर साल तो मनती नहीं है, तो किसी साल अगर 26 जनवरी मनाई जानी है, मतलब 26 जनवरी झंडा उंडा तो फहराते हैं, लेकिन बच्चों को बुला करके अगर नाश्ता पानी करवाना है, मतलब व्यवस्था करनी है, तो पैसे खर्चा आएगा उसमें। तो फिर उसके लिए समिति का गठन कर दिया जाता है कि ये जलपान फलाने देखेंगे, ये जो है मंच का संचालन करेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे ना। तो वो उस विशेष समय के लिए गठित की गई। अब ऐसा तो है नहीं कि मंच संचालन की प्रजापति सर जी को जो है नियुक्त कर दिया गया तो अब डेली माइक लेके घूम रहे हैं इधर उधर, वो मंच से उसी दिन माइक लेके घूमेंगे, तो वो समिति कार्य खत्म, तो समिति भी क्या हो गई? खत्म। तो ये क्या है? अस्थायी समिति होती हैं, ये क्या होती हैं? अस्थायी। और अस्थायी के लिए एक शब्द और आया है तदर्थ। अस्थायी के लिए एक शब्द और आया है तदर्थ, कहते ना ये तदर्थ नियुक्ति हुई है। सरकारी नियुक्ति में एक होता है परमानेंट नियुक्ति, एक क्या होता है? तदर्थ नियुक्ति। तो उसको कहते हैं एडहॉक, अंग्रेजी में कहते हैं ना एडहॉक। कैसी भर्ती हुई? मास्टर कैसे? एडहॉक है ये मास्टर, कैसे? परमानेंट है। एडहॉक मतलब उनकी उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, और जो परमानेंट हो गए, मान लो कोई मास्टर बन गया परमानेंट, तो 60 और 62 पे वो रिटायर होगा, तो उसका निश्चित कार्यकाल है कि नहीं है। और जो एडहॉक पे नियुक्त हुआ, तदर्थ पे नियुक्त हुआ, तो वो उसकी सेवा 5 साल भी चल सकती है और 4 साल भी। जैसे शिक्षा मित्र है, क्या होते हैं? एडहॉक होते हैं। शिक्षा मित्र क्या है? एडहॉक होते हैं। तो ये तदर्थ होते हैं, तदर्थ शिक्षक इनको बोल सकते हो। तो ऐसे ही कुछ कमेटियां होती हैं जो किसी विशेष कार्यों को जो है देखने के लिए, विशेष कार्यों को संचालित करने के लिए जो है गठित की जाती हैं सदन द्वारा, तो उसको बोलते हैं अस्थायी समिति या फिर तदर्थ समिति। तो तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है। ठीक, ये मोस्टली 2 प्रकार की होती हैं, सिंगल और संयुक्त, जैसा कि मैंने बताया। तो ये अस्थायी होती हैं, और इनका कार्य क्या होता है? किसी विशेष कार्य को जो है संचालन करने के लिए, किसी विशेष कार्य को संचालन करने के लिए। तो पहले हम लोग इसमें स्थायी को देख लेते हैं कितने प्रकार की होती हैं, फिर
जो है इसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, और आज हम लोग छोटा क्लास जो है रहेगा, तो अस्थाई को आज तदर्थ को निपटाएंगे कि कैसे कैसे मेंबर्स आते हैं उसमें। तो स्थाई जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसका कार्यकाल निश्चित होता है, एक वर्ष के लिए होता है। इसमें जो है महत्वपूर्ण समितियां जो होती हैं, वित्तीय समितियां हैं, विभागीय समितियां हैं, जांच समितियां हैं, सदन समिति है, अन्वेषण या छानबीन समिति है, सेवा समिति है और सलाहकार समिति है। तो ये 6-7 प्रकार की समितियों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, कहां पर? स्टैंडिंग कमेटी में, स्थायी समिति। अब वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति के भी 3 प्रकार हैं। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि प्राकलन समिति किस प्रकार की है, तो वित्तीय समिति है। प्राकलन समिति किस प्रकार की है? वित्तीय समिति की है। और वित्तीय समिति में भी ये मतलब वित्तीय समिति किसके प्रकार है? स्थायी। तो प्राकलन समिति भी क्या हो गई? स्थायी समिति हो गई। ये कल हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, यहां पर इतना जान लो। और एक होता है लोक लेखा समिति, ये क्या है? लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, लेखा मतलब अकाउंट, लोक मतलब पब्लिक, लोक शब्द से बना है लोक, लोक मतलब पीपल, पब्लिक, और उसी को थोड़ा सा हिंदी सुधार दिया गया है, लोक की जगह लोक कर दिया गया है, तो लोक मतलब पब्लिक हो जाता है। इसी प्रकार से लोक उपक्रम, और लोक उपक्रम को सरकारी उपक्रम भी कहते हैं, लोगों का होगा, और लोगों का कब्जा अगर किसी उस पे है तो सरकार का होगा। जैसे सड़क है लोगों का है, तो सड़क सरकारी हो गई, लोग चलते हैं उस पर, सरकारी हो गई। किसी व्यक्ति ने अपने घर के सामने सड़क बना लिया और फिर वहां पर दुश्मन का लड़का पहुंच गया तो उसकी टांग तोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बाप ने बनवाया है पैसा लगा करके, लोगों का थोड़े नहीं, सरकारी थोड़े नहीं, वो तो निजी हो गया। तो इसी प्रकार से सरकारी उपक्रम, सरकारी उपक्रम जैसे रेलवे, रेलवे क्या है? सरकारी उपक्रम है, ठीक। तो इस तरीके से सरकारी संस्थानों के लिए गठित की जाने वाली जो है समितियां, तो ये वित्तीय समितियां हो गई। ये क्या है? वित्तीय। प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, और जो है लोक उपक्रम या सरकारी उपक्रम। इसी प्रकार से विभागीय, तमाम प्रकार के विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग अलग हो गया, ठीक है, और प्रशासनिक विभाग अलग हो गया। तो इन विभागों को संचालित करने के लिए, इन विभागों के कार्यों को संचालित करने के लिए विभागीय समितियों का गठन किया जाता है। जांच समितियां, जनता की समस्याओं के समाधान हेतु जांच समितियों का गठन किया जाता है, ठीक। सदन समितियों का गठन किया जाता है, सदन जो है अपने कार्यों का संचालन करती है, नियम कानून बनाती है, तो उसके लिए सदन समिति का गठन किया जाता है। और अन्वेषण या इसे छानबीन समिति भी कहते हैं, तो ये स्पेशली SC और ST वर्ग के लिए गठित की जाती है। कौन सी? अन्वेषण समिति या जो है छानबीन समिति। सेवा समिति, भाई लोगों को सेवाएं, लोग सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, भाई हम लोग क्या है, सेवा ही तो कर रहे हैं, तो सेवा के बदले हमको क्या मिल रहा है? मेवा मिल रहा है। मेवा किस रूप में? वेतन के रूप में, भत्तों के रूप में, आवास के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर मेवा किस, यहाँ पे सेवा कौन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, वहां संसद में कौन बैठा कर रहा है? मेंबर्स कर रहे हैं, संसद के मेंबर। तो संसद के मेंबर्स का वेतन बढ़ाना, उनको भत्ता देना, उनको आवास दे देना फ्री, सब चीज देना, वो देखते हो रातों रात अपना, अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, रातों रात जो है मतलब बैठ करके और फैसला कर लेते हैं। तो वो कौन फैसला करता है? सेवा समिति जो बनाई गई है, वो बैठ करके और रातों रात ये सारी व्यवस्था कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो मेवा ज्यादा लेंगे, ठीक। और वो टैक्स से, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा उनको, टैक्स फ्री उनकी सारी मेवा रहेगी, ठीक। इसी प्रकार से सलाहकार समिति होती, तो ये स्थायी समिति है जिसका हम लोग बारी अलग क्लास में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं अस्थायी तदर्थ समिति के बारे में, जिसको अढ़ाक समिति बोलते हैं, ठीक। तो अढ़ाक कमेटी जो है ये 2 प्रकार की, एकल हो सकती है और संयुक्त हो सकती है, ठीक। एकल मतलब सिंगल, सिंगल किसी राज, किसी सदन में होगी, राज्यसभा में हो सकती है या फिर लोकसभा में हो सकती है। और ये भी 2 प्रकार की होती है, एकल समिति भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्रवर समिति हो सकती है और संसदीय समिति हो सकती है। प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी। अब सेलेक्ट कमेटी किस लिए गठित की गई है? क्योंकि विधेयक, विधेयक के कार्यों को जांचने के लिए, परखने के लिए कि क्या विधेयक जो है ये सही है कि नहीं सही है। जैसे अभी एक कानून आया था किसान कानून, बहुत सारा देश में क्या हुआ? आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? तो सरकार वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, जब देखा बहुत ज़्यादा जो है धूमधड़ाका हो रहा है देश में, तो फिर सरकार ने मतलब, अब सरकार कहाँ पे बैठी? संसद में। तो संसद ने जो है, अब संसद पे भी कब्जा किसका होता है? सरकार का ही तो होता है, क्योंकि वो क्या है? बहुजन है, मतलब उसका संसद में क्या है? बाहुल्य है,
तो फिर वहां पर जो है अध्यक्ष महोदय के जो है आदेश में सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया कि भैया देखो जो हम लोगों ने किसान बिल पारित किया था उसमें कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ छेद हैं, तो किसान इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं, तो उसकी जांच के लिए, अब वो जांच विशेष जांच थी, मतलब विभागीय कार्य के लिए, तो परमानेंट तो था नहीं, वो एक विशेष समय के लिए गठित की गई थी, तो उसकी जांच के लिए क्या गठित की गई, प्रवर समिति, प्रवर समिति का गठन किया गया, अर्थात विधेयक की समीक्षा के लिए, विधेयक की समीक्षा के लिए, बिल अगर कानून नहीं बना है तो बिल हो गया, कानून बन गया तो उसकी भी समीक्षा करने के लिए गठित की जा सकती है। तो इस तरीके से ये प्रवर समिति, और ये दोनों सदनों में गठित की जा सकती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, और दोनों सदनों में अलग अलग गठित होती है, तो इसके मेंबर्स अलग अलग सदनों में जब गठित की जाती है तो 30 मेंबर्स की ये सदस्य समिति होती है। कितने मेंबर्स इसमें होते हैं? 30। एक अध्यक्ष होगा और बाकी सब उसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 30। जैसे राज्यसभा में गठित की गई और राज्यसभा में कुल मेंबर्स कितने हैं? 250। तो 250 में से 30 कहाँ रख दिए गए? प्रवर समिति में। अब ऐसा थोड़े नहीं है कि समितियां तो तमाम है, तो एक सदस्य जो है, ऐसा थोड़े नहीं कि एक ही समिति का सदस्य होगा, कई सदस्य समितियों का सदस्य हो सकता है। भाई 250 ही तो मेंबर्स हैं और समितियां यहाँ मान लो 50 गठित करनी पड़ गई, तो फिर समितियां जब मान लो बहुत सारी गठित करनी पड़ गई तो सदस्य कम पड़ जाएंगे, तो एक व्यक्ति कई समितियों का सदस्य हो सकता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और ये प्रवर समिति क्यों गठित की जाती है? विधेयक की समीक्षा करने के लिए, विधेयक की समीक्षा करने के लिए। और एक होती है संसदीय समिति, एक क्या होती है? पार्लियामेंट्री कमेटी। एक संसदीय समिति होती है जो कहाँ गठित की जाती है? एकल बेंच में भी गठित की जा सकती है, और इसका कार्य भी जो है इसी तरीके से सदन की कार्यवाही करना। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं कितने होते हैं? इसमें भी 30 मेंबर्स होते हैं। इसमें भी कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं। ऐसे राज्यसभा में भी इसी प्रकार से दो सदस्य समिति गठित की जाती है, प्रवर समिति और संसदीय समिति। यहाँ भी 30 मेंबर्स अलग अलग सदनों में अलग अलग गठित की जाएगी। ठीक, तो ये हो गया सिंगल, ये क्या हो गया? सिंगल कमेटी। और अगर दोनों सदनों को यानी लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों सदनों के लिए एक समिति गठित की जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट कमेटी। क्या बोलेंगे? ज्वाइंट कमेटी, संयुक्त समिति। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त समिति। तो संयुक्त समिति, अब संयुक्त समिति का कार्य क्या होता है? ये इसका कार्य होता है किसी विशेष घोटाले की जांच करना। कोई घोटाला हो गया, मान लेते जैसे बोफोर्स घोटाला हुआ था एक बार, बोफोर्स तोप खरीदा गया था राजीव गांधी के समय में, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो बोफोर्स तोप जो है खरीदा गया था, और बहुत भयंकर मार करने वाली तोप थी। ठीक, तो वो तोप लाया गया तो बहुत लोग उसमें कयास लगाने लगे कि सरकार ने ज़्यादा पैसा दे दिया और जो है मतलब महंगा पड़ गया सौदा। ठीक, अब भाई पैसा किसका है? देश का पैसा है, और देश का पैसा किसका है? हम लोगों का है, जनता का है, पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक का पैसा मान लो किसी एक व्यक्ति को जो है फायदा पहुंचाने के लिए भाई उसको ज़्यादा पैसा दे करके सामान कम ले लो, तो पब्लिक का पैसे का नुकसान है ना। तो इसी तरीके से जाँच करने के लिए जो बोफोर्स घोटाला जो हुआ उसको जाँच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया। अब संयुक्त संसदीय समिति को हिंदी में संयुक्त संसदीय कमेटी कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी कहते हैं। तो जेपीसी समय समय पर घोटालों की जांच करने के लिए, जैसे लालू जी चारा खा गए थे, लालू जी क्या खा गए थे? चारा खा गए। तो चारा खा गए, कितने करोड़ का चारा खा गए, तो वो सब जांच करने के लिए जो है जेपीसी का गठन किया गया। अब जब जेपीसी का गठन किया जाएगा, चूंकि संयुक्त है तो दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे कि नहीं? दोनों सदनों के। तो यहाँ पर रेशियो क्या रहेगा सदस्यों का? दो रेशियो एक रेशियो रहेगा ना, तो यहाँ पर 2:1। अब 30 सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं लोकसभा के, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने मेंबर शामिल किए जाते हैं? 30। अब इसका जो 2:1 निकालोगे तो एक फिर राज्यसभा के कितने हो जाएंगे? 15, इसके आधा हो जाएगा। तो राज्यसभा के इसमें मेंबर्स कितने शामिल किए जाते हैं? 15। तो ये संयुक्त प्रवर समितियां या संयुक्त जो है संसदीय समितियां, इन दोनों में 45 मेंबर्स होते हैं। इन दोनों में कितने मेंबर्स होते हैं? 45। संयुक्त समितियां भी दो प्रकार की होती है, संयुक्त प्रवर समिति और संयुक्त
संसदीय समिति, और दोनों में जो है 45 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 30 कहां से होते हैं लोकसभा से और 15 कहां से होते हैं राज्यसभा से। ठीक, तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि संयुक्त प्रवर समिति में कितने मेंबर्स होते हैं, कुल 45, और पूछा जा सकता है कि लोकसभा से कितने होते हैं 30, संयुक्त प्रवर में या फिर खाली प्रवर में। खाली प्रवर समिति होगी, खाली सेलेक्ट कमेटी होगी, तो किसी एक सदन की होगी, तो किसी एक सदन की होगी, तो कितने मेंबर्स होंगे उसमें 30 मेंबर्स होंगे, और अगर ज्वाइंट बनाई जा रही दोनों को संयुक्त करके तो 30 लोकसभा से होंगे और 15 राज्यसभा से होंगे। तो ये भी दो प्रकार की होती है संयुक्त प्रवर। संयुक्त प्रवर मतलब किसी विधेयक को जांचने के लिए, मान लो दोनों जो है सदन से संबंधित कोई विधेयक है तो उसको जांचने के लिए संयुक्त समिति का, संयुक्त प्रवर समिति का गठन कर दिया जाएगा। और मान लो कोई घोटाला बड़ा तगड़ा हुआ है, जैसे गोफोर्स घोटाला बड़ा तगड़ा हुआ था, तो संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया, तो उसके लिए जो है 30 सदस्य लोकसभा के हुए और 15 सदस्य राज्यसभा के बनाए गए, और इनको एक 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है, इसको इन समितियों को, अस्थायी समितियों को, जो तदर्थ समिति होते हैं इनको यहां से भी प्रश्न आएगा, तदर्थ समितियों को अपनी रिपोर्ट कितने महीने में समिति सौंपनी होती है, 3 महीने में। किसको सौंपते हैं, सदन पर, जिस सदन की समिति है उस सदन को सौंपा जाएगा, उस सदन के पटल पर रखा जाएगा, अध्यक्ष के सामने उसे पेश किया जाएगा। ठीक है, तो जो है ये समय याद रखना है कि अस्थायी समिति कितने समय के लिए जो है, मतलब कितने समय में अपनी रिपोर्ट देनी रहती है, 3 महीने, या फिर मान लो कोई विशेष तरीके से कोई विशेष जांच करानी हो, जल्दी करानी है क्योंकि देश उससे प्रभावित हो रहा है, तो कह देंगे भैया 1.5 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप दो। तो जो संसद समय निश्चित करेगा उस समय में देना होगा, नहीं तो 3 महीने के अंदर रिपोर्ट अपनी रखनी पड़ेगी, सौंपनी पड़ेगी। तो जैसे ही वो कार्य पूरा हो गया, जैसे बोफोर्स घोटाला का कार्य पूरा हो गया, जांच पूरा हो गया, वैसे समिति क्या कर दी गई, डिसॉल्व कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो फिर दोबारा कोई घोटाला हुआ तो फिर गठित कर दी गई जेपीसी, संसदीय समिति या संयुक्त संसदीय समिति। ठीक, तो इस तरीके से ये घोटाले पोटाले जांचे जाते हैं, तो किसके माध्यम से, जेपीसी के माध्यम से या संसदीय समितियों के माध्यम से। तो प्रश्न यहां से आएगा कि घोटाले वोटाले जो सरकार करती है उसकी जांच के लिए किसका गठन किया जाता है। अब यहां से समझ गए ना कि इसका कार्य क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो अब डरेगा कि नहीं, मान लो कोई सौदाबाजी सरकार कोई कर रही है और उस सरकार में शामिल मंत्री जो है जो मतलब अनाप शनाप पैसा खर्च कर दे, अनाप शनाप मतलब कार्य कर दे, तो उनको पता है कि हमारी तो जांच भी हो जाएगी। जांच कौन करेंगे, जो है समितियां करेंगी। तो समितियां कौन सी, संसदीय समितियां करेंगी, जेपीसी भी कर सकती है, और जांच में अगर पकड़े गए तो सदस्यता चली जाएगी, जेल और चले जाएंगे। ठीक, तो इसलिए कार्यपालिका पर नियंत्रण का भी कार्य करती है कौन, समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो इस तरीके से ये जो है संसदीय समितियों में हमने जो है इनके प्रकार देखे, और जो है आज हमने अस्थायी जो कि तदर्थ समिति है इसके बारे में पूरा देखा। यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाएगा कि प्रवर समिति कैसी है, स्थाई है या अस्थाई है, तो अस्थाई है, प्रश्न यहाँ से आता है। अब रामायण तो इतना पूरा पढ़ा दिया, लेकिन प्रश्न कहाँ से आएगा कि प्रवर समिति किस प्रकार की है, अस्थाई है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, 30 प्रवर समिति में, और राज्यसभा में, प्रवर समिति की बात कर रहा हूँ, 30, और संयुक्त प्रवर समिति में, संयुक्त प्रवर समिति में राज्यसभा के कितने होते हैं, 15, और लोकसभा में 30। भाई दिमाग लगाना है, नेचर समझना, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। संयुक्त पूछा जाएगा तो दोनों को मिला करके गठित की जाएगी, तो 15 राज्यसभा के होंगे और 30 लोकसभा। खाली प्रवर है तो प्रवर खाली है तो मतलब वो लोकसभा की भी हो सकती है और राज्यसभा की भी हो सकती है, यानी एकल होगी, वो क्या होगी, एकल होगी, संयुक्त शब्द नहीं लगा है, तो वो राज्यसभा में भी गठित किया जा सकती है। अगर राज्यसभा में है तो उसके 30 मेंबर्स होंगे। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। कल हम लोग जो है स्थायी समिति के बारे में, यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए एक क्लास अलग से लेनी पड़ेगी।